बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी और दयालु संत रहता था। वो उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता और उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता था। एक बार एक आदमी आकर उस संत के सामने रोने लगता है और कहता है, संत महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा परिवार भूखा है महाराज, कुछ तो मदद कीजिए। श्रीमान, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। संत बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है। वो एक बोरी लेकर बाहर आता है। वो उस बोरी को किसान को आशीर्वाद के रूप में दे देता है और उसे उस बोरी को घर पहुंचने पर ही खोलने का आदेश देता है। संत से आशीर्वाद प्राप्त कर किसान अपने घर निकलता है। अपने घर पहुंचकर वो बोरी खोलता है और चौंक जाता है। किसान संत का अंदेशा समझ जाता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाता है। वो एक आलीशान घर बनाता है। वो अपने लिए शानो शौकत की बहुत सारी चीजें भी खरीदता है। इतना ही नहीं, वो गांव के सभी गरीबों को मदद भी करता है। किसान और संत की ये कहानी पूरे गांव भर फैल जाती है। इसी तरह ये बात एक डाकू के कानों पर पड़ती है। डाकू ये बातें सुनकर चौंक जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो भेष बदल कर एक किसान के रूप में उस संत के पास चला जाता है। संत हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी के बाहर ध्यान में डूबा होता है। इतने में डाकू वहां आ जाता है और जोर जोर से संत के सामने रोने लगता है। मेरी मदद करो साधु महाराज, मेरी मदद करो। मेरा सारा धन तूफान में चला गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मदद करो। धन तो आता है और जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम किसी धनवान के पास जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं महान संत जी, मुझे आपकी ही मदद चाहिए। कृपया मुझे भी उस किसान जैसे धनवान बना दीजिए। किसान के जैसे? हाँ हाँ, मैं भी आलीशान घर बनाऊंगा। संत डाकू के इरादे समझ लेता है और उसे सबक सिखाने की सोचता है। डाकू संत का राज जानने के लिए खिड़की से झांकने लगता है। वो देखता है कि संत अपना सिर एक पत्थर पे पटक रहा है। ये देख वो डाकू सोच में पड़ जाता है। इतने में संत खाली हाथ बाहर आता है और डाकू से कहता है, तुम अभी जा सकते हो। मैंने जादुई पत्थर से दुआ की है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो। हाँ, अब बाकी जैसे तुम्हारा कर्म। ये कहकर संत वहाँ से निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डाकू झोपड़ी के अंदर जाता है। वो उस पत्थर को देख सोचने लगता है। लगता है इस पत्थर पर सिर पटक कर जो भी मांगू मिल जाता है। मुझे बहुत सारा धन मांग लेना चाहिए। डाकू उस पत्थर पर अपना सिर जोर जोर से पटकता है और दर्द से चीखने लगता है। हाय, मेरा सिर फूट गया रे। कहाँ है धन? आए, मेरा सिर फूट गया। इतने में संत वहाँ पर आता है और डाकू की मूर्खता पर हंसने लगता है। मूर्ख, जादू इस पत्थर में नहीं उस किसान की मेहनत में थी। मैंने उसे धन नहीं बस कुछ अनाज के दाने दिए थे, जिसे जोतने और मेहनत करने से उसे उसका फल मिला होगा। डाकू को उसकी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है।